हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी स्टूडेंट KGMU BSc नर्सिंग का वेट कर रहे हैं कि 2021 में इसका फॉर्म कब आएगा BSc नर्सिंग का। तो जैसे ही 2021 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, काफ़ी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करके यहां से BSc नर्सिंग का कोर्स करेंगे। तो ये KGMU की साइट है, आप भी ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं KGMU.org। जैसे आप सर्च करेंगे फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो चलिए इसकी साइट पर हम लोग चलते हैं। ये जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल होती है, जो भी न्यूज लेटेस्ट न्यूज रहती है यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल चलती रहती है। तो अभी तो यहाँ पे BSc नर्सिंग की कोई ऐसी नोटिस नहीं चल रही है कि BSc नर्सिंग अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो अभी तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए नहीं है, लेकिन ये इस वीडियो में हम लोग कन्फर्म, ये आप कन्फर्म मान के चलिए कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट बेसर्विस से इंतज़ार कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ था ना कि अभी क्या हुआ, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हो गया कि KGMU हो गया या फिर GSBM कानपुर हो गया। ये लखनऊ में है KGMU, गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये फिर GSBM कानपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से भी BSc नर्सिंग के कोर्स होता है और यहाँ पर। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है CET अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, ये कराती है। तो ये इन्होंने कहा हम एक एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यहीं से गवर्नमेंट और प्राइवेट की जो कॉलेज की गवर्नमेंट या BSc नर्सिंग की सीटें यहीं से फिलअप करेंगे। तो लेकिन कन्फर्म इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, ना ही KGMU, ना ही GSBM, ना ही CPNET सैफई इटावा। एक यहाँ भी यूनिवर्सिटी है CPNET, CPNET सैफई इटावा में भी है। तो यहाँ से पैरामेडिकल का आप फॉर्म भर सकते हैं, फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं और BSc नर्सिंग के कोर्स। तो काफ़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप लोग को कोर्स करने के लिए। तो ये कंफर्म नहीं है। तो अभी KGMU का क्या हाल है, KGMU 2020 में क्या किया, 2020 में जब इन्होंने BSc नर्सिंग का कोर्स कराया तो ये क्या किया, 12th के परसेंटेज के बेस पे ये एडमिशन ले लिए। तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का नुकसान हुआ और काफ़ी स्टूडेंट का फ़ायदा हुआ। तो अभी 2020 में ऐसा हाल किए थे कि 12th के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन लिए थे। अब 2021 में एडमिशन लेना है, तो अभी तो इन्होंने कन्फर्म नहीं किया ना इस यूनिवर्सिटी ने कि परसेंटेज के बेस पर होगा या पहले जैसे पहले होता था एंट्रेंस एग्जाम होते थे फिर एडमिशन होता था। तो एंट्रेंस एग्जाम वाला अच्छा रहता, काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन भी करते हैं ना इस एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है यूपी में। तो हम हमारे हिसाब से कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है कि जहाँ से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। कहाँ से, KGMU से, KGMU से ये समझिए कि BSc नर्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पे यूपी में वो एक यूनिवर्सिटी BHU है और सेकंड पे ये है। तो BHU क्या किया, BHU तो नीट के थ्रू एडमिशन ले रहा है BSc नर्सिंग में। तो ये चीज़ हो गया। बट अभी तो ये क्या है ना, अभी आपका जो बचा हुआ है KGMU बचा हुआ है। तो KGMU देखिए अभी तो कन्फर्म नहीं है, मेरे हिसाब से इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए। आपके क्या होने चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म आने होंगे तो अभी ये आज जिस डेट पे ये वीडियो बन रही है ये है 13, कल हो जाएगा 14, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो 14 नवंबर, अभी आज है 14 नवंबर है और ये समझिए इसी मंथ में नवंबर में ही लास्ट तक ये समझिए कन्फर्म हो जाएगा कि 100% कन्फर्म हो जाएगा कि इसके क्या एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आ भी सकते हैं इसी मंथ में लास्ट में, और नहीं आएंगे तो फर्स्ट वीक दिसंबर में तो 100% आने ही हैं। तो ये अभी आप 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, 15 डेज, या इसके अंदर ही आएंगे। तो इंतज़ार करेंगे, कन्फर्म हो जाएगा कि कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, किस के माध्यम से, एंट्रेंस के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से, इसमें एंट्रेंस के माध्यम से या फिर 12th के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा 100% इसी मंथ में कंफर्म होगा या फिर फर्स्ट वीक दिसंबर में। तो आप मान के चलिए कि कंफर्म हो जाएगा, कोई चिंता ना करें। बट यहाँ पे चलिए एक देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बट फीस जो है, फीस कितना इसमें लगता है। तो फीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कितना फीस लगेगा। तो ये एक
के जेएमयू की साइट पे ये अपलोड किया गया है, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। टोटल फीस ऑफ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हु आर टेकिंग एडमिशन इन एकेडमिक सेशन 2020-21, तो 20 का है ये। जब बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेंगे तो कितना आपका फीस लगता है, कैटेगरी वाइज दी गई है। तो ये देखिए जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट आप हैं तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो विथ हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तो 48,100 रुपये आपके देने पड़ेंगे। तो अगर आप विदाउट हॉस्टल, आप गए अपने रूम से कहीं बाहर लेते हैं या फिर हॉस्टल नहीं लेते अपने घर से आते हैं पढ़ने, तो आपको 43,200 रुपये पेड करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा 4,800-900 रुपये कम हो जाएंगे। तो ये देखिए विदाउट हॉस्टल विथ हॉस्टल, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी तो विथ हॉस्टल, हॉस्टल अगर आप लेते हैं और यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो 42,100 रुपये लगने वाले हैं, और अगर आप विदाउट हॉस्टल हैं तो 37,200, मतलब 37,200 रुपये आपके लगने वाले हैं। तो ये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ये जमा होता है, तो ये चीज़ है। और चेक लिस्ट ऑफ इनक्लोजर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट, अगर यहाँ पे आपके पास क्या क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ओरिजिनल अलाटमेंट लेटर होना चाहिए विथ एडमिट कार्ड के साथ, ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, टू स्टेट कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल, ये सब जब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे ना अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके, तो ये सब सर्टिफिकेट आपके पास 100% ही रहेगा। तो अभी तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये सब मैं बताऊंगा अच्छे से, और अच्छे से आपको सब कोई भी डॉक्यूमेंट छूटेगा नहीं, सब आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ का जो फीस है ये 48,000 रुपये हैं और ये 42,000 रुपये हैं, तो इतना फीस यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो यूपी में जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे थोड़ा फीस अधिक लगता है, तो फीस की चिंता ना करें, आप 48,100 रुपये लग रहे हैं तो अगर आप स्कॉलरशिप पर ईयर मिलता ही है तो 48,000 आपके वापस रिटर्न पूरे कंप्लीट होते हैं अगर स्कॉलरशिप मिलता है। मिलता वैसे 100% है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती ही नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, तो ये चीज़ हो जाता है। तो मिलेगा तो पूरा रिटर्न हो जाएगा, तो घबराए नहीं। लेकिन जो हॉस्टल का रहने का ये तो फ्री हो जाएगा, बट जो खाने का पैसा लगता है फूड का, वो ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर उसके बाद डिनर हो जाएगा, लंच हो जाएगा, उसका पैसा अलग से लगता है। लगभग 2,000 से लेके 2,500 पर मंथ लगते हैं। पर मंथ आपको कितने देते हैं, लगभग 2,000 से लेके 2,500 के बीच में आपके लगते हैं पर मंथ, जो कि हर महीने आपके खाने के लिए देने पड़ते हैं, तो ये तो देने ही पड़ेंगे। तो इतना चीज़ हो जाएगा, आप वेट करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और चैनल पे इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने कराया है, वीडियो आप लोग रिवाइज ज़रूर करें, जितनी भी हो सभी वीडियो आप लोग रिवाइज करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे वो नीट का हो चाहे जिसका हो, क्योंकि नीट से जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम में, आप जब देंगे तो आपको भी पता चलेगा, और जो भी स्टूडेंट दिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लेलिस्ट चैनल वाइज पे आप जाके हर वीडियो को रिवाइज करते रहें, क्योंकि समय थोड़ा, टाइम भी आपके पास कम है, और सिलेक्शन ये समझिए जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होना भी चाहिए। तो कमी मत रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी जेएसबीएम का आएगा, सेफिनेट सेफई टावर का आएगा, जैसे आपको सूचित किया जाएगा चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, फिर मज़ा आएगा। अभी मेरा एंट्रेंस जो मेरा अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो अभी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अभी ये 18-19 को ख़त्म हो जाएगा इसी मंथ में नवंबर में, तो अभी 20 से समझिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम ताबड़तोड़, मतलब काफ़ी अच्छे से करा दूंगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, 1 मंथ मिल जाएगा प्रिपरेशन मुझे वीडियो बनाने का, और आपका प्रिपरेशन अच्छे से करा दूंगा। तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें चैनल को, लिंक को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल में, सभी जगह। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बेस्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 2021 में ज़रूर हो। थैंक यू, धन्यवाद।